नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुमार, आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज हम आए हुए थे करनाल बाईपास संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पे आए हुए थे, क्या वो मुद्दा हल हुआ? जो प्राइवेट गाड़ियाँ सवारियाँ ढो रही थी, यानी कि करनाल बाईपास पे जो मुबारका चौक है वहाँ से जो सवारियाँ जो अपनी गाड़ी में बिठाते थे और चंडीगढ़ अम्बाला और पंजाब के लिए रवाना हो जाते थे, तो इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हुए थे। तो अभी हमारे साथ कुछ भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या वो उसका समाधान हमें मिला या नहीं मिला। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। जो हमारे साथ सर थे, ये नोएडा से आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं एक बार। सर प्रधान जी, बताइए आपका नाम एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह, नोएडा से। मेरे भाइयों, एक मुहिम छेड़ी थी संजय मलिक जी ने और हमने मिलके कि वन वे को बंद कराया जाए। जो वन वे है ये बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। बाहर की जो गाड़ियाँ आती है वो टू वे में आती है और यहाँ से वन वे लेके जाती है। अब सोच के देखो, वो डबल किराए में आ रहा है, आने जाने का किराया ले रहा है, फिर यहाँ से आपका जो रोजी रोटी है उसको छीन रहा है, वो आधे में लेके जा रहा है। मतलब एक बंदा जो है वो डबल कमाई कर रहा है और आप जो हो आप भूखे मरने कगार पे हो। दिल्ली में जितने भी यूनियन लीडर हैं, मैंने सबको सबसे गुहार लगाया कि देखो भाइयों, दिल्ली के अंदर इतना काम है, दिल्ली एनसीआर में इतना काम है कि आपका एक भी गाड़ी वाला भूखा नहीं मर सकता, हर किसी को काम मिलेगा। लेकिन यूनियन लीडर शायद अभी सो रहे हैं, उनको जागने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो भाई जागे थे वो हम साथ थे, वहाँ गए हुए थे, क्योंकि अदर स्टेट में आप किसी भी स्टेट में चले जाओ उनके भाई इतना काम नहीं है। वो वहाँ से आ रहे हैं और हमारा काम लेके जा रहे हैं। हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो परेशान है, कोई पहाड़ में पड़ा है। मैं देहरादून गया था अभी 10-15 दिन पहले, वहाँ जो सीएनजी का पंप है उस पर 22 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो मेरे दोस्तों, वन वे में जा रहे हो आप, यहाँ से आधे किराए लेके जाते हो, वहाँ पे आपको किराया नहीं मिलता। वहाँ जो बैठे हैं बंदे वो कहते हैं अच्छा दिल्ली खाली तो जाना ही है तुम्हें, 6,000 की ड्यूटी है, 4,000 मुझे दे दो, 2,000 में ले जाओ तुम, तो कब तक चलेगा ये? और मेरे भाई, आप जो है ना, कुछ ऐसे भाई हैं जिन्होंने नई गाड़ियाँ ले रखी है, तोड़े जा रहे हैं, उन्हें अभी नहीं पता लग रहा। उन्हें जब समझ में आएगा, 1-2 साल हो जाएगी गाड़ी, जब मेंटेनेंस मांगना शुरू करेगी तब उन्हें समझ में आएगा। अरे मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ ईमानदारी का 10 रुपये किलोमीटर भी आने जाने का आपको अगर मिल रहा हो तो जाएं, अदरवाइज साफ मना कर दें। और मैं कह रहा हूँ, जिस दिन आपने मना कर दिया ना सारे भाइयों ने, कोई माई का लाल नहीं है जो वन वे चलवा ले। तो भाइयों, खुद गुनाहगार खुद ही हो, अपने पेट पे लात आप सब खुद मार रहे हो, और जब तक आप सब नहीं सुधरोगे कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। और सर हमारे साथ हैं, ये भी नोएडा से आए हुए हैं, और इनसे भी बात करके देखते हैं एक बार। आपका क्या कहना, जो आज हुआ था वहाँ पे, क्या अब सफल हो गया जो जिस मकसद से गए थे वहाँ पे? जी, नमस्कार भाइयों, मैं बालचंद्र सिंह गाजियाबाद से। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा होगा, हम लोग गए थे संजय गांधी नगर ट्रांसपोर्ट पे, और क्या नाम, जो कौन सा चौक कहलाता है, मुबारका चौक, वहाँ पे जो प्राइवेट गाड़ी वाले थे, जो सवारियाँ भर भर के जा रहे थे, हम लोगों ने इनके प्रति क्या नाम है थोड़ी सा कदम उठाया और पुलिस को भी अल्टीमेटम दिया, हालांकि सभी के चालान भी करवाए, भगवाए वहाँ से। तो भाइयों, मैं कह रहा हूँ, देखो हम भी इस लाइन में अब काम कर रहे हैं, टैक्सी लाइन में, और आप लोग भी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई टैक्सी लाइन को एक अपने परिवार का भरण पोषण हो टैक्सी लाइन के द्वारा, तो भाई मैदान में उतरना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप देखो, आप सोचो ज़रा, जो आपका हब है, दिल्ली एक हब है, क्योंकि कहीं से भी स्टेशन या एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फ्लाइट, जितने भी फ्लाइट हैं वो दिल्ली से ही जाती हैं। अगर मान लो हल्द्वानी से, उत्तराखंड से जितनी गाड़ी आती हैं वो दिल्ली आती हैं, जितनी पंजाब चंडीगढ़ से वो भी दिल्ली आती हैं, जयपुर से आते हैं तो सब दिल्ली आते हैं। अगर हम दिल्ली से वनवे बंद कर देंगे भाई साहब, तो हम पूरे इंडिया में इसके लिए समझ लो कि एक प्रकार की जंग छेड़ देंगे और वनवे अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो भाइयों, आप लोग साथ तो देते नहीं हो। आज जैसा कि देखो, काफ़ी सारे बंदे आए, 10-12 बंदे आए, ड्राइवर और बाकी हमारे साथ है, पुलिस वालों ने भी साथ दिया। मान लो हम लोगों ने अपना दिया अल्टीमेट जो भी है कि भाई ऐसे ऐसे है, क्योंकि हम लोगों ने परमिशन तो ले रखी थी, तो उनने भी हमारा साथ दिया। तो भाई आप लोग कब जाओगे अब बताओ? अगर हम जब 10-12 बंदों ने आज वहाँ पे पूरा सारा खाली करा दिया था, अगर आप लोग हमारे 10% भी होते ना दिल्ली के, दिल्ली में मान लो हमारी करीब 1-1.5 लाख के समथिंग ड्राइवर काम करते, उसमें आप 10% भी आ गए होते भाई साहब, तो पूरे दिल्ली से आज वनवे बंद करा दिया जाता। और जो डग्गा मार लोग हैं, जो अवैध सवारियां भरते हैं, इधर उधर से सवारियां भरते हैं, जो आप लोगों के पेट पे लात मारते हैं, सारे भग जाते हैं। तो भाई मिल के काम करो, हम तो आप लोगों से यही गुहार लगा रहे हैं। अगर बच्चे पालना है
और क्या नाम बनबे बंद कराना है, तो मिल के काम करो। हम लोग सभी जगह मुहिम छेड़ने वाले हैं, उधर गाजीपुर बॉर्डर पे भी, इधर सोनीपत बॉर्डर पे भी, और उधर हम लोग गुड़गांव वाले बॉर्डर पे भी सभी जगह बैठने वाले हैं। और कोई भी आदमी जो भी बनबे की सवारी ले जाता पाया जाएगा भाई साहब, उसे गाड़ी को पकड़ा जाएगा, चलान भी कराया जाएगा उसका, क्योंकि हम लोग ऐसा परमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से कि भाई कम किराए में जाता है, गवर्नमेंट से कम किराए में यदि आप जाते हो तो हम उसका चलान भी कराएंगे भाई, और अपनी यूनियन की पर्ची भी वहाँ पे काटेंगे। तो अब सभी लोगों से भैया यही अनुरोध है कि कम किराए में ना जाएं, बनबे का बंद करें और सब लोग मिलके साथ दें ताकि हम लोग अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, धन्यवाद भाई।